नमस्कार। देखिए, बहुत सारे बच्चे ANM कोर्स का फॉर्म भर चुके हैं, तो 28 मई को ये फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हुए थे। 30 जून यानी 30 जून को इनकी डेट फिनिश हो गई थी, लेकिन साइट वालों ने इनकी डेट 7 जून कर दी है। तो कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने अपनी फ़ीस सबमिट नहीं की है या कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने बचे हैं, तो वो कल तक यानी कल डेट तक इस को सबमिट कर सकता है। 7 जून तक इसको सबमिट कर सकता है। न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते 7 जून तक के लिए। मतलब जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए साइट अब भी ओपन कर दी है। वैसे 30 जून लास्ट डेट थी। बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या फ़ीस सबमिट करनी है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो फॉर्म सबमिट हो चुके हैं तो उनके एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो जो एडमिट कार्ड है वो आपके 16 जुलाई से 22 जुलाई तक आ जाएंगे। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर और आईडी पासवर्ड याद रखना है। एडमिट कार्ड निकालते वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप स्क्रीन शॉट लेकर ज़रूर रखें या कहीं नोटबुक वगैरह में लिख कर ज़रूर रखें। एंट्रेंस एग्ज़ाम, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम 23 जुलाई को होगा। मात्र 20 दिन बचे हैं, मतलब 20 दिन भी कहाँ, 18 दिन बचे हैं। 23 जुलाई संडे को एग्ज़ाम है। मोस्टली चांसेस द्वारका में हो, बाकी चेंज होता रहता है इनका वेन्यू। जैसे बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो स्कूल या वेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। OMR शीट में आपने देखा होगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एग्ज़ाम होगा। रिज़ल्ट भी 4 दिन के अंदर ही निकाल देंगे। 27 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। 16, 17, 18 अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग डेट पर बुलाया जाएगा, और फिर शायद सितंबर 1 से या अक्टूबर 1 से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट है जिन बच्चों को डाउट था कि एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, तो इस टाइम को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। बाकी आते ही मैं वीडियो भी डाल दूंगा। फ़िलहाल सिलेबस अपलोड किया है साइट पर, एक बार मैं आपको बता भी दूं कि क्या क्या सिलेबस है, आप इसको देख भी सकते हैं। एक बार ये भी देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी वैकेंसी के लिए फ़ाइट करना है। तो देखिए, UR की जो RHTC है उसमें 18 वैकेंसी है। LRH में भी 80 वैकेंसी, यानी जनरल के बच्चे 36 वैकेंसी है। OBC के लिए टोटल 22 वैकेंसी है। SC के लिए 12 वैकेंसी है। ST के लिए 6 है। PDWD की 4 है। EWS के लिए 8 है। और टोटल 88 वैकेंसी के लिए आपको फाइट करना है। वेटिंग लिस्ट भी आती है, अगर कोई बच्चा नहीं जाता है सेलेक्ट होने के बाद तो अगले वाले बच्चे को, स्टूडेंट को बुला लिया जाएगा। देखिए, ये सिलेबस में उन्होंने मोटा मोटा थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है कि जो 23 जुलाई को 10 बजे आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड में आपको रिसेंटर दिया जाएगा। 2 आवर्स का एग्ज़ाम है। आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 10th लेवल तक की साइंस आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th क्लास तक पढ़ लेनी है। डिटेल में सिलेबस उन्होंने अपनी जो वेबसाइट पर डाल दिया है, कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। 10th+2 लेवल की हिंदी इंग्लिश ग्रामर आएगी। देखिए, हिंदी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना इतना इजी नहीं है, जो आपको आती है उसी के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं। अब ऐसा कहा जाए कि भाई आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो वो लिख के सुफिशेंट नहीं है। तो ये आपकी प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड रहेगा, आप फटाफट क्या पढ़ पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिलेबस है एंड जनरल नॉलेज। तो मेरा यही मानना रहेगा कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर ही ज़्यादा ध्यान दें। MC टाइप क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी इसमें नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोशिश करना है जितने क्वेश्चन हो 120 सारे के सारे आपको टिक कर देने हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा। आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको एक साथ के साथ में OMR शीट मिलेगी। इस तरीके से दिखे रहा OMR शीट आपको याद रखना है। एक बार आंसर देने के बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ब्लैक और
ब्लू पेन ही आपको यूज़ करना है, रोल नंबर आपको लिख देना है जहाँ जहाँ आपसे पूछा जाए, और अपना नाम भी लिखना है। जैसे आपको दिखा दिया जाएगा इस तरीके से, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है। जैसे किसी का रोल नंबर है 1356, तो 1 पे गोला करिए, फिर 3 पे, इस तरीके से आपको करना। क्वेश्चन के आंसर OMR शीट में करने हैं आपको। जैसे अगर ने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसका आंसर डी है, तो आपको डी पर टिक नहीं लगाना, डी को बिल्कुल ब्लैक कर देना है। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से ब्लैक कर देना है, या ब्लू पेन से ब्लू सर्कल, जैसे बाय चांस ये डी है तो इसको पूरा इस तरीके से शेड कर देना है, तभी कंप्यूटर स्कैन कर पाएगा। तो ये कुछ डाउट आपको ध्यान से रखने हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।